सर्दियों के मौसम में हम बहुत सारे सर्दियों के फूलों वाले पौधे हम अपने गार्डन में लगाते हैं। जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो हम बीज से लगा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करूंगी जिनके सीड्स आप इस टाइम पर खरीद कर रख सकते हैं और सितंबर के मंथ में आप उनको लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बहुत से ऐसे फूलों वाले पौधे कवर करने की कोशिश करूंगी जिनके बीज आप ऑनलाइन या फिर सीड स्टोर से ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जहाँ से भी बीज लें अच्छी क्वालिटी के बीज लें, क्योंकि समटाइम जब हम किसी अदर वेबसाइट से बीज लेते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। इसलिए जब भी सीड्स परचेज करने जाएं तो इम्पोर्ट क्वालिटी के ब्रांडेड सीड्स लें, जैसे सकाटा सीड्स, थाई सीड्स एट्सेट्रा। इनकी जर्मिनेशन रेट जो होती है वो 80-90% रहती है। और समटाइम बहुत से ऑनलाइन सीड्स भी आपको सस्ते में कॉम्बो पैक में मिलते होंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। पिटूनिया विंटर का बेहद ही खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाला प्लांट होता है, जिसको आप बीज सितंबर टू अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज देखने में बहुत ही बारीक होते हैं और इनकी जर्मिनेशन में 6-7 दिन का टाइम मिनिमम लग जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, रंग बिरंगे फूलों में सिंगल पेटल्स, डबल पेटल और पिटूनिया मिक्स भी आप लगा सकते हैं। पॉट की बात करूं तो 8 इंच का पॉट इस पौधे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। छोटे कंटेनर में या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट है। नेक्स्ट वन है केल, जिसे ऑर्नामेंटल कैबेज कहा जाता है। ये भी ठंड का एक सजावटी पौधा होता है, जिसे आप प्री विंटर में सीड्स और कटिंग दोनों से इनके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके सीड्स अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। इवन अगर आपने समर में इसके पौधे सेव किए हैं तो आप इनके नए नए पौधे कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं। और इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं फ्रेंड्स, तो बीज की जर्मिनेशन 3-4 डेज में हो जाती है। फ्रेंड्स, इनकी सीड्स की जर्मिनेशन के 30-40 डेज में इनके जो पौधे हैं वो 3-4 इंच के तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जिसे आप इस प्री विंटर में सीड्स द्वारा ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है गजानिया। गजानिया भी विंटर का बहुत ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसको आप बीज से सितंबर अक्टूबर में आप इसके बीज को लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और बीज के 8-10 दिन में इनकी जर्मिनेशन जो है वो आपको मिल जाती है और 30-40 डेज में इनके 3-4 इंच के जो प्लांट होते हैं वो रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये पौधे भी आप बीज द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली छोटे छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, और काफ़ी लेट समर तक ये पौधे बने रहते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। अगर आप थोड़ी सी केयर करें तो इनके पौधों को आप समर में भी सेव करके आप इनको रख सकते हैं। फिर आने वाले जैसे कि अब बरसात आई है तो इनके पौधे अगर आपके पास सेव हो चुके हुए हैं तो आप इनको डिवाइड करके भी इनके बहुत सारे पौधे जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पेंसी। पेंसी बेहद ही खूबसूरत एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसे मंकी फ्लावर और तितली फूल भी कहा जाता है। छोटे छोटे कंटेनर में लगाने के लिए और हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत बढ़िया पौधे होते हैं। इन्हें भी आप मिड ऑफ सितंबर से लेकर अक्टूबर तक कभी भी बीज से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इनके जो बीज होते हैं फ्रेंड्स, वो 8-10 दिन में जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये पौधे भी आप इस समय बीज से आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जब भी आप बीज लेने जाएं तो कोशिश करें हाइब्रिड वैरायटी के बीज लें, और इसमें देसी वाले भी वैरायटी होती है। जो वैरायटी आप देख रहे हैं ना, ये इसकी देसी वाली वैरायटी होती है। इसमें जो पौध होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन जो नर्सरी में ज़्यादातर सेल होती है फ्रेंड्स, वो इसकी छोटी हाइब्रिड वैरायटी होती है, जिसमें बहुत सारे फूल एक साथ जो है वो खिलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेस्टेशियम। नेस्टेशियम भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये पौधा मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। पूरी विंटर ये पौधे गार्डन में भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं। इनको बड़े बड़े ज़्यादा पॉट की नेसेसिटी नहीं होती है। इनकी रूट्स शेलो रूट्स रहती हैं, लिहाजा आप इन्हें छोटे कंटेनर में या शेलो पॉट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट भी इसकी बेहद ही खूबसूरत लगती है। इसके जो बीज होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मटर के दानों की तरह होते हैं। और मैं हमेशा सजेस्ट देती हूँ कि आप जो बीज ग्रो करते हैं उसे अपने गार्डन से ही सेव किया करें, यानी कि एक सीज़न आप पौधे लगाएं और उनके बीज को सेव करें, और सीज़न आने पर बीज से ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने घर की पौध जो है वो तैयार करें। 7-8 दिन में इनके जो बीज है ना वो जर्मिनेट हो जाते हैं और महीने भर में इनके जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वो रेडी हो जाते हैं। बहुत जल्दी इनमें फूल आना भी शुरू कर देते हैं और इनकी लैंडस्केपिंग भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, डहेलिया भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लांट होता है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और बिग साइज़ के होते हैं। ड्वार्फ एंड लॉन्ग वैरायटी में ये इसके पौधे आते हैं
और जिसके फूल सिंगल पेटल, डबल पेटल और बिग साइज़ के होते हैं, इनको भी आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के मंथ तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डहेलिया भी वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे तो सीज़न में आप बने बनाए पौधे भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप सीड्स या बल्ब द्वारा जो है वो सितंबर टू अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा भी कहा जाता है, ये विंटर का बेहद ही खूबसूरत और चर्चित सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाला फूल होता है। इनके फूल देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। इनकी बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं, मैरीगोल्ड वाइट, मैरीगोल्ड मिक्स, एंड इसके सीड्स को ग्रो करने का राइट टाइम सेप्टेम्बर मंथ का होता है। और एक इसकी देसी वाली वेराइटी भी होती है जिसे फ्रेंच मैरीगोल्ड कहा जाता है, वो तो सारा साल ही हम ग्रो कर सकते हैं। अभी भी इसके बीज आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, या फिर सिंपल सूखे फूलों को भी अगर आप मिट्टी में स्प्रेड कर देंगे तो वहीं से इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, गेंदे के बीज विद इन वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं, और जो गेंदा होता है फ्रेंड्स, वो सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक इनके पौधे आपके गार्डन में बने रहते हैं, भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं। तो इस बार आप इनको बीज से ज़रूर ग्रो करें, एंड इनके फूल जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है विंटर फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला। ये भी बहुत ही खूबसूरत एंड हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी आप इजली मिड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आइडियल प्लांट है जिसे आप छोटे कंटेनर या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके बीज भी 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, और ये पौधा टाइम टू टाइम बहुत ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स चाहिए तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज सीजन में आप बने बनाए प्लांट्स भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लक्सपुर भी आप सीड से आसानी से सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और फूलों से अलग इसके फूल होते हैं। इसके पौधे में फ्लावर स्टिक निकलती है जिसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं। इसकी आप लक्सपुर मिक्स हाइब्रिड सीड्स के पैकिंग ले सकते हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं। इसके सीड्स 7 से 8 दिन में लग जाते हैं। इनके पौधों को होल्ड करने के लिए आप स्टिक या ट्रेलिस का भी सपोर्ट कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, सो लक्सपुर वन ऑफ द बेस्ट इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे भी आप ज़रूर सितंबर से लेकर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप बीज द्वारा ग्रो कर सकते हैं वो है हॉलीहुक के फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस पौधे को भी आप बीज द्वारा बहुत ही आसानी से सेप्टेम्बर अक्टूबर में आप इनको लगा सकते हैं इनके बीज को। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनके जो पौधे हैं वो लेट समर तक चलते रहते हैं, इनकी फ्लावरिंग लेट समर तक टाइम टू टाइम होती रहती है, और बहुत सी रंग रंगे फूलों वाले पौधे बीज द्वारा आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और जब भी आप इस इनके पौधों को ग्रो करें या किसी भी पॉट में इनके छोटे छोटे सैपलिंग्स भी ला कर अगर ट्रांसप्लांट करें तो कोशिश करें इनको थोड़ा बिग साइज़ में लगाएं, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो काफ़ी चली जाती है। और इनके फूल जो होते हैं इनकी एक स्टिक सी निकलती है जिसमें काफ़ी इनकी बर्डिंग्स होती हैं और काफ़ी नंबरिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें आते रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये पौधे होते हैं, और जब इनके फूल स्पेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इनके बीज भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप हर सीज़न में अपने गार्डन के बीज अगर सेव करते हैं तो फ्रेंड्स, वो बहुत ही फ्रेश और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं जो हम अपने गार्डन से रेडी करते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो उनको बीज को भी सेव करने की कोशिश किया करें, ताकि आपको हर साल बीज लेने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है क्राइसेंथमम। क्राइसेंथमम भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसको भी आप सितंबर में बीज द्वारा ग्रो कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली फ्रेंड्स, इनके पौधों को आप कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हैं, यानी कि एक सीज़न में आप इनके पौधे लेकर रख सकते हैं। समर में इनके पौधे सेव करें तो आने वाले बरसात में आप इनके नए नए पौधे जो है कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार बीज से ग्रो करने की या बार बार नर्सरी जाकर इनके पौधे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, इनके पौधे बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इनके फूल महीनों महीनों तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। वन टाइम ही इनमें फ्लावरिंग जो है वो होती है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप एनुअल क्राइसेंथमम प्लांट को भी बीज द्वारा बहुत ही आसानी से अक्टूबर में इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इनकी जर्मिनेशन जो है वो भी 3 या 4 डेज में हो जाती है और 30 to 40 डेज में इनके जो पौधे हैं वो रेडी हो जाते हैं। और इनकी फ्लावरिंग जो होती है फ्रेंड्स वो काफ़ी लेट विंटर तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है। 1 टाइम इनमें फ्लावरिंग होती है बट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बट ये पौधे सीड द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है साल्विया। साल्विया प्लांट को भी आप बीज से बहुत आसानी से सितंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज जब भी आप ग्रो करने जाएं तो कोशिश करें अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड बीज लें। इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और रेड कलर इनका कॉमन फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो आप इनको जब भी ग्रो करें तो शेलो पॉट में इनके बीज को ग्रो कर सकते हैं या फिर आप सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जो जर्मिनेशन है फ्रेंड्स वो 8 से 10 दिन का टाइम ज़रूर लेती है तो इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये पौधे भी आप सीड से बहुत आसानी से सितंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं ये है केलनकोई। केलनकोई भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्रेंड्स वो जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे होते हैं और इसकी ये अदर वैरायटी है वेरीगेटेड, ये भी बहुत ही खूबसूरत होती है। और इसमें एक और वैरायटी आती है देसी वाली होती है और वो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ये पौधे मोस्टली जो है वो कटिंग से रेडी किए जाते हैं या फिर इनको आप विंटर सीजन में एक बार खरीद लेते हैं तो हर सीजन में आप इनको कटिंग से इनके नए नए पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसमें इसको वाटर की नेसेसिटी कम रहती है बट इनके जो फूल होते हैं वो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो ये पौधा भी आप ज़रूर अपने विंटर गार्डन में लगाएं। जो फ्लावरिंग प्लांट आप बीज से ग्रो कर सकते हैं वो है आइस प्लांट या मसेंबरी एंथमम प्लांट और ये भी एक सकुलेंट टाइप का विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इनको भी आप बीज द्वारा जो है बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इनके फूल काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर जो है वो बने रहते हैं और ये बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये लेट विंटर तक इनके फूल जो है वो आपके गार्डन में बने रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको भी बीज द्वारा जो है बहुत ही आसानी से घर बैठे इनके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जिस फूलों वाले पौधे को आप इस विंटर सीड से ग्रो कर सकते हैं वो है प्राइम रोज, जिसे प्रिमला फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इसके रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप बीज द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं या सीजन आने पर इनके पौधे आप नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं फ्रेंड्स छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए, वेस्ट में ग्रो करने के लिए और इनको बड़ी ज़्यादा धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये पौधे भी बेस्ट ऑप्शन है, इनको भी आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के मंथ तक जो है वो ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनकी जर्मिनेशन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है तो हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। फ्रेंड्स विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट रेनेस्कुलस फ्लावर्स भी आप अक्टूबर के मंथ में बीज या फिर बल्ब द्वारा ग्रो कर सकते हैं और बल्ब इनके जो बल्ब होते हैं फ्रेंड्स वो ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि इनके बल्ब थोड़े से कॉस्टली रहते हैं बट ये पौधे बल्ब से बहुत ईजिली तैयार हो जाते हैं और इनके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। गुलाब की तरह इसके छोटे छोटे फूल इनके पौधों पर बने रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको भी बल्ब या बीज द्वारा ग्रो कर सकते हैं या सीज़न आने पर इनके बने बनाए पौधे भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके पौधे थोड़े से कॉस्टली ज़रूर रहते हैं। फ्रेंड्स टेंथस भी आप विंटर में ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें और इनको भी आप बीज से बहुत आसानी से सितंबर के फर्स्ट ऑफ वीक में इनको ग्रो कर सकते हैं। ये विंटर का बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। रंग बिरंगे फूलों के पौधे आप बीज से भी रेडी कर सकते हैं या सीज़न में इनके नए नए पौधे भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं, काफ़ी हार्डी होते हैं। समर में भी ये पौधे बहुत आसानी से सेव हो जाते हैं और छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट में लगाई ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इससे ही एक और मिलती जुलती वेराइटी होती है फ्रेंड्स कार्नेशन। कार्नेशन को भी आप बीज द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये डाइंथस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं बट इनके फूलों के साइज़ में और डाइंथस के फूलों के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। कार्नेशन के फूल काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डॉग फ्लावर, जिसे एंटी राइनम फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये भी बीज द्वारा बहुत ही आसानी से सितंबर के मंथ में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है और फूलों से ये फूल थोड़े से जुदा से होते हैं तभी इसका नाम डॉग फ्लावर है। और बहुत ही रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों के बीज आप सेप्टेम्बर के मंथ में इनको ग्रो कर सकते हैं या फिर बने बनाए पौधे भी लाकर आप सीज़न में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके जो बीज होते हैं फ्रेंड्स वो जर्मिनेशन के लिए 5 से 6 दिन का टाइम जो है वो लग जाता है। बहुत ही जल्दी
ही इनके सीड्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इनको भी सेप्टेम्बर के मंथ में बी द्वारा ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक कैलिफोर्निया पॉपी फ्लावरिंग प्लांट भी आप विंटर में सीड्स द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज ग्रो करने का जो राइट टाइम होता है फ्रेंड्स, वो मिड ऑफ सितंबर से लेकर आप अक्टूबर तक इनके पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं, जो विंटर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और लेट विंटर तक इनके फूल जो है इनके पौधों पर बनते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इनके प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, और जब जिस भी पॉट में लगाएं इसमें वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग से इनकी लीव्स जो बहुत जल्दी गलने शुरू हो जाती है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको भी बीज द्वारा बहुत ही आसानी से सितंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐसे सर्दियों के फूलों वाले पौधे कवर करने की कोशिश करी है, जिनको आप इस टाइम पर बीज से बहुत आसानी से सितंबर से लेकर अक्टूबर के मंथ में इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, ताकि विंटर सीजन में ये पौधे बहुत ही हैवी फ्लावरिंग कर सके। और ये ऐसे पौधे मैंने शेयर करे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और नर्सरीज में इनकी सेल बहुत ही ज़्यादा होती है। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड।